हाय बच्चों मारी वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल दिस इज योर इंग्लिश एडिकेटर शुप्रभा श्रीवास्तव आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन तो एक चैप्टर की रिक्वेस्ट मुझे मल्टीपल टाइम्स आ रही है और वो है द एडवेंचर क्योंकि <laughs> द एडवेंचर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है एकदम से ऊपर से जा रहा है तो आज मैंने सोचा कि द एडवेंचर कम्प्लीट कर लिया जाए इसलिए भी बिकॉज इसकी रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए भी क्योंकि ये हमारा आखिरी चैप्टर बच रहा है क्लास इलेवेंथ में इस चैप्टर के बाद में आपका सिलेबस इस पूरे चैनल पे कम्प्लीट हो जाएगा प्लेलिस्ट कंप्लीट कम्प्लीट हो जाएगी आप आराम से ऑन रिपीट सारे चैप्टर्स देख सकते हैं जब भी रिविजन करना चाहे कर सकते हैं ठीक है सो दैट्स दैर तो चलो फिर फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं Uh, इससे पहले हम स्टार्ट करें जयंत विष्णु नार्लिकर ओ पी कर दीजिए क्योंकि जब हम ऑथर का नाम ओ पी करते हैं तो आंसर्स में हम पहले ऑथर का नाम मेंशन करते हैं और जब हम वो मेंशन करते हैं तो आंसर का इंट्रोडक्शन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है ना तो जयंत विष्णु नार्लिकर ने ये बहुत ही अच्छा सा और दिमाग एकदम एकदम खपा देने वाला चैप्टर लिखा है जिसका नाम है द एडवेंचर ठीक है आपको यहाँ पर एक्चुअली उनका एलिमेंट देखने को मिलेगा मतलब ये चैप्टर के अंदर जयंत विष्णु नार्डिकर इज इन हिज एलिमेंट क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस फिक्शन uh, सब एकदम सब कुछ देखने को मिलने वाला है बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ के चलिए फिर फटाफट से इस चैप्टर को शुरू भी कर लेते हैं ऑल राइट right, तो बच्चों ये जो चैप्टर चैप्टर है इस के अंदर प्रोटेगनिस्ट कौन होने वाले हैं चैप्टर के है प्रोफेसर जी प्रोफेसर जी गंगाधर पंत गायतोंडे इसके प्रोटेगनिस्ट होने वाले हैं अब बच्चों जब ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी भी समअप करके बताऊंगी ताकि आपको एक ही बार के अंदर समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली exactly कहा से कैसे किस क्रोनोलॉजी में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं बट अगर हम इसको वैसे ही पढ़े जैसे एनसीआरटी में लिखा है तो ये बीच से उठी हुई स्टोरी है ना तो आपको एकदम मेरे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा और एनसीआरटी जरूर खोल लीजिए अपनी ओके okay, तो चैप्टर की शुरुआत होती है जब हमें जीजा माता एक्सप्रेस के बारे में बताया जाता है हमें बताया जाता है कि जीजा माता एक्सप्रेस पुणे बॉम्बे वाली रूट पे बहुत तेज एकदम चल रही होती है इनफैक्ट डेकन क्वीन से भी ज़्यादा तेज चलती है ये माना जाता है अब बच्चों जीजा माता एक्सप्रेस डेकन क्वीन इस तरीके की ट्रेन का नाम आपने पहली बार सुना होगा है ना इसके लिए क्योंकि ये जो ट्रेन हैं ये ट्रेन इस समय में नहीं चलती हैं ये ट्रेन पुराने टाइम पर चला करती थी अब आप यहां देखोगे मतलब course, ये उस वक्त ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी अब हम देखते हैं कि इतनी तेज चलती है कि अपने फर्स्ट स्टॉप पे लोनावला पे तो ये 40 मिनटों के अंदर ही आ जाती है ठीक है तो ये बात हमें कौन बता रहा है ये बात हमें प्रोफेसर गंगाधर पंत यानी प्रोफेसर गायतोंडे बता रहे हैं ऑल राइट right. अब इसके बाद में देखो आगे वो क्या कह रहे हैं इसके बाद में कह रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग चल रहे हैं जिस तरीके से आप यू नो हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे थे तो ट्रैवल करते करते प्रोफेसर गायतोंडे ठीक है प्रोफेसर गाय तोंडे यानी प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे जो कि एक हिस्टोरियन है उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो दिख रहा है मुझे ठीक है ये ये जो दिख रहा है मुझे ये बड़ा डिफरेंट है ये बड़ा अजीब है अलग है बट अभी उनका दिमाग एक चीज पर सेट है और वो एक चीज ये है कि वो जरूर एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएंगे और जाकर वहाँ पर हिस्ट्री बुक्स को देखेंगे बच्चों जो हिस्टोरियंस होते हैं नेचुरली वो हिस्ट्री के बारे में सोचते रहेंगे नए नए तथ्यों को हमारे सामने लाने के बारे में सोचते रहेंगे प्रोफेसर गंगाधर पंत गायतोंडे का भी यही करना था यही मानना था वो भी यहाँ पर जब इस 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 मोमेंट पे वो हमसे मिले हैं इस मोमेंट पे वो बैटल ऑफ पानीपत थ्री बैटल ऑफ पानीपत थ्री के बारे में रिसर्च अपनी कर रहे थे और जब ये ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है उनके सामने ये ट्रेन जा रही है वो इस जर्नी के अंदर है तब उनके दिमाग में ये आ रहा था कि ठीक है एवरी लुक्स वेरी डिफरेंट बट एक थाट उनके दिमाग से नहीं जा रहा था कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाकर एक्चुअली ब्राउज कर सकता हूँ हिस्ट्री को देख सकता हूँ हिस्ट्री को अलग अलग नजरिए से ऑल राइट right. अब ये ऐसा क्यों सोचा उन्होंने बिकॉज दैट वॉज द शॉरेस्ट ऑफ शॉरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर वॉज रीच अब बच्चों यहां पर आपको पता है कि हिस्ट्री में अगर कुछ हुआ है मतलब अगर पास्ट में कुछ हुआ है तो उसी का नतीजा आज है या फ्यूचर होगा ठीक है यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ आज है तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट में जो भी इवेंट्स होते हैं उनका नतीजा ही प्रेजेंट होता है आपने पास्ट में कॉमर्स लिया तो नतीजा यह है कि अभी आप क्लास इलेवेंथ में कॉमर्स पढ़ रहे हो आपके जो भी एक्शंस पास्ट में आपने लिए होते हैं वही आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बनाते हैं तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं जाकर इन हिस्ट्री बुक्स को ब्राउज करना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ ये जानने के लिए कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स पे आज जो हो रहा है वहां हम कैसे पहुंचे He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande. Now this is my favorite part. सो so, ऐसा uh, होता है ना कि आप किसी इवेंट में जा रहे हो या आप कहीं पे जा रहे हो एंड देन यू नो यू लाइक ऑल द टाइम आप उसके बारे में सोच रहे होते हो और एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होती है कि जैसे ये इवेंट ख़त्म होगा मैंने फटाफट घर जाना है और जाकर अपनी बेस्टी को सब बता देना है बेस्ट को पता है ऐसा हुआ था वैसा हुआ था ये हुआ था वो हुआ था फिर ऐसे बोला फिर मैंने ऐसे बोला ये कितना मजा आता है अपने बेस्ट फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स या अपने कोई भी क्लोज वन के साथ में उन सारी चीज़ों को शेयर करना वो कोई भी हो सकता है आपका मेंटोर भी हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो सकता है आपके पेरेंट्स आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है ये एक बहुत ही बहुत ही अच्छी फीलिंग है और यहाँ पर भी ऐसा ही है यहाँ पर ये सारी रिसर्च को करने के बाद प्रोफेसर गायतोंडे ने ऐसा सोचा कि मैं जल्दी से पुणे चला जाऊंगा और राजेंद्र देश पांडे यानी कि जो इनके बहुत क्लोज हैं उनके साथ में सारी चीजें शेयर करने वाला हूँ और वो ये भी कहते हैं कि मुझे राजेंद्र देश पांडे ये समझने में मदद करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ अब बच्चों ये लाइन उन्होंने क्यों कही ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा अगर आप चाहो तो आप खुद भी एनसीआरटी में इसको स्टार बना सकते हो दैट इज अज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देर एग्जिस्टेड सम राजेंद्र देश पांडे अब बच्चों यहाँ पर उन्होंने दिस वर्ल्ड क्यों कहा इसके लिए क्योंकि जब वो जीजा माता एक्सप्रेस और डेकन क्वीन मेंशन करते हैं तो वो हमें ऑलरेडी दिमाग में बता दे रहे हैं कि ये दोनों बातें ये दोनों बातें जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किए दोनों ट्रेनें जो मेंशन की और ये जो पैराग्राफ के अंदर इन्होंने मेंशन किया कि चीजें कितनी डिफरेंट लग रही थी वो हमें कहीं ना कहीं एक हिंट देना चाह रहे हैं कि इस वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करते थे इस वर्ल्ड में वो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इसीलिए इन्होंने दिस वर्ल्ड बोला एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप जो देख रहे हैं वो आपकी रियलिटी है आपकी दुनिया है आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपके एग्जाम आने वाले हैं ये सब आपकी रियलिटी आपकी दुनिया है बट आपको पता है यहाँ पर हम चैप्टर के अंदर ये बात डिस्कस करेंगे कि कैसे एक से ज्यादा दुनिया हो सकती है है ना एक से ज्यादा दुनिया हो सकती है पैरल वर्ल्ड हो सकते हैं इस स्टोरी का मेजर थीम भी वही है तो यहां पर आ, अगर मान लो आप अभी इस वर्ल्ड में हो जहां पे आप क्लास 11th में हो आप एडवेंचर चैप्टर पढ़ रहे हो आपको एग्जाम लिखना एंड एंड ऑल दैट हो सकता है कि एक और वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जहां पर चीजें बहुत अलग हो रही है इट कुड बी इन पास इट कुड बी इन फ्यूचर इट बी वेरी डिफरेंट वेरी डिफरेंट तो आप वहां पर संभाव पहुंच जाते हो एंड देन आप सारी चीज़ें देखते हो आप रियलाइज करते हो कि या तो आप सालों में कुछ पीछे आ गए हो या कुछ ज़्यादा आगे चले गए हो या प्रेजेंट बड़ा डिफरेंट है तो आप उसे अपनी दुनिया नहीं मानोगे यू वी लाइक ये कोई और दुनिया है ये कोई और जगह पे मैं आ गया हूँ तो ऐसा ही कुछ फीलिंग जो है आ, प्रोफेसर गायतोंडे को भी आ रहा है बिकॉज अभी जिस ट्रेन में वो बैठे हुए हैं जिस जर्नी में वो बैठे हुए हैं ये जर्नी ये फ्रेंड्स और ये सब कुछ उन्हें अपना सा नहीं लग रहा है उन्हें ये अलग दुनिया लग रही है और वो इस सारा एक्सपीरियंस राजेंद्र देशपांडे के साथ में शेयर करना चाहते हैं पर उनके मन में एक सवाल है कि इस दुनिया के अंदर राजेंद्र देशपांडे है भी कि नहीं ठीक है कि इस दुनिया में जहां पर मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूं इसमें राजेंद्र देशपांडे है भी कि नहीं है द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड द लॉन्ग टनल एंड इट वॉज स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद फाइनली बच्चों ये जो ट्रेन है ये ट्रेन रुक जाती है एक स्टेशन पे जिसका नाम है सरहद और वहां पर एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म में आते हैं और सारे परमिट्स चेक करने लग जाते हैं बच्चों जैसे यहाँ पर एंग्लो इंडियन मैंशन कर दिया गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोग ऐसे टाइम पे आ गए हैं जिस टाइम पर हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर्स थे अभी भी एग्जिस्ट करते थे, तो ऐसे टाइम पर हमारे प्रोफेसर गायतोंडे पहुंच चुके हैं अब यहाँ पर जब वो ये देखते हैं उन्हें देखकर बड़ा अजीब लग रहा होता है और उनके पास में खान साहिब बैठे होते हैं उनके पास में खान साहिब बैठे होते हैं और वो बोलते हैं कि देखो यहाँ से ब्रिटिश राज शुरू होता है यहां से ब्रिटिश राज शुरू होता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम पहली बार ट्रैवल कर रहे हो ठीक है ऐसा लग रहा है कि तुम पहली बार ट्रैवल कर रहे हो अब यहाँ पर अगर गंगाधर पंत सोचे तो फैक्चुअली वो सही बोल रहे थे फैक्चुअली वो सही बोल रहे थे गंगाधर पंत कहते हैं कि भाई मैं इस बॉम्बे में पहले कभी नहीं आया हूँ मैं इस बॉम्बे में पहले कभी नहीं आया बॉम्बे बहुत बार आया हुआ हूं पर मैं इस बॉम्बे में पहले कभी भी नहीं आया हूं ये पहली बार मैं यहां पर आ रहा हूं ठीक है सो so ये क्योंकि अफकोर्स ये दुनिया उन्होंने कभी नहीं देखी है इस तरीके से एंग्लो इंडियंस को कभी नहीं देखा है ब्रिटिश राज कहाँ से शुरू होता है ये सारी चीजों ने नहीं पता है इसके बाद में क्या हुआ इसके बाद में उन्होंने भी खान साहिब से सवाल पूछा वो कहते हैं आप पेशावर कैसे जाएंगे आप पेशावर कैसे जाएंगे तो अभी खान साहिब उन्हें जवाब देते हैं कहते हैं कि आप चिंता मत करो ये जो ट्रेन ट्रेन है ये ट्रेन उसी रूट पे जाती है ये बॉम्बे से दिल्ली निकलेगी फिर फिर लाहौर जाएगी फिर पेशावर जाएगी मैं डे आफ्टर टुमारो पेशावर पहुंच भी जाऊंगा इसके बाद क्या इसके बाद खान साहिब ने अपने बिजनेस के बारे में बताया और गंगाधर पंत बहुत, बहुत बहुत विलिंग लिसनर थे तो उन्होंने आराम से चैन से उनकी बात भी सुनी उन्हें लगा कि यार चलो अच्छी बात है ऐसे सुन रहा हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसे सुनने में मुझे इस इंडिया का फ्लेवर भी मिल रहा है जो कि बहुत अलग है इमेजिन करो कि आप उस टाइम पर चले जाते हो जिस टाइम पर इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स हुआ करते थे और जब आप वहां चले जाओगे और वहां पर लोगों से बात करोगे उन लोगों को कुछ नहीं पता है उन्हें कुछ नहीं पता है कि इंडिया के अंदर आगे क्या होने वाला है डेमोक्रेसी नाम की चीज एग्जिस्ट करेगी क्या वो लोग फ्री हो जाएंगे क्या टेक्नोलॉजी इंडिया में होगी क्या ठीक है एग्रीकल्चर किस रूट पे जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आ जाएगा ये सब कुछ नहीं पता है और आप वहां पर बैठकर उन लोगों की उस वक्त एग्जिस्ट करने वाली प्रॉब्लम सुन रहे हो एंड आपको लगेगा कि ठीक है यार मैं और सुनना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि ये लोग क्या फेस कर रहे थे मुझे भी ये फ्लेवर चाहिए इस टाइम का इस, इस मेरे भारत का उस टाइम पे मेरा भारत कैसा था exactly एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है अब यहाँ पर वो आराम से ट्रेन पास होती है पास होते होते वो देखते हैं कि यहाँ पर ब्लू कलर के कैरेजेस भी पास होते हैं जिन पे जी बी एम आर लिखा होता है अब बच्चों ये जी बी एम आर क्या था ऐसा हमारे प्रोफेसर गंगाधर पंत ने सोचा और हमें खान साहिब ने जवाब दिया खान साहिब ने कहा ये ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे है ठीक है और ये जो तुम्हें यहाँ पर लोगोज़ दिख रहे हैं ना ये ये शो करता है कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में आ चुके हैं आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा जिनको पता नहीं है उन्हें बता देती हूं कि बॉम्बे वाज़ अ ब्रिटिश प्रोविंस इस वजह से यहां पर इन्होंने ये बात कही है कि हम ब्रिटिश टेरिटरी में आ चुके हैं अब ट्रेन जो है वो थोड़ी स्लो होने लगी दादर के बियॉन्ड और फिर फाइनली अपने स्टेशन पे रुक गई जो कि था विक्टोरिया टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस जो स्टेशन है वहां पर ट्रेन रुक जाती है स्टेशन बहुत ही ज्यादा नीट और क्लीन लग रहा है आसपास आपको एंग्लो इंडियंस दिखेंगे पारसीज दिखेंगे कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी देखने को मिल जाएंगे फाइनली स्टेशन के आते ही गंगाधर पंथ यहाँ पर उतर जाते हैं और यहाँ उतर के अपने आप को एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पाते हैं नाउ क्विकली रीड दिस एंड इंटूजस्ट यू नो है आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक कंटिन्यूसली फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड दैट्स वाई वीज़ नॉट टेकिंग लाइव क्लासेज और ये वन शॉट भी थोड़ा डिले हो गया था बट ये टाइम है जब आपका एग्ज़ाम भी है वन शॉट्स भी जाने हैं एट द सेम टाइम अब तो मैराथन का टाइम भी आ गया है तो मैंने एक छोटा सा उसका ज़रिया निकाल लिया थोड़ा तरीका निकाल लिया बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेकर पढ़ाने का बिकॉज ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एज ए टीचर मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है क्योंकि अगर वो एनर्जी हम यहाँ नहीं डालते हैं तो बच्चे सो जाते हैं तो आप भी सो जाते हो कि अरे ये सुनते सुनते बोर हो गए वो मैं नहीं करना चाहती हूँ और इस वजह से वो एनर्जी जब जाती है तो बॉडी बहुत सफ़र करती है एनी वेट्स तो विक्टोरिया टर्मिनस पे रुक जाती है ट्रेन और गंगाधर पंत अपने आप को एक बिल्डिंग के सामने देखते हैं अपने आप को एक बिल्डिंग के सामने पाते हैं अब यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग पे क्या लिखा होता है इस बिल्डिंग पे लिखा होता है ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ओके ईस्ट इंडिया हाउस क्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा होता है उस बिल्डिंग पर अब बच्चों ये बहुत शॉकिंग बात है आज आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है आज के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है पर उस भारत में करती थी है ना उस भारत में करती थी गंगाधर पंत भी इस चीज को देखकर बड़ा चौंक गए हैं इसलिए कि कैसे हो सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एग्जिस्ट कर पा रही है मेरे सामने एक बिल्डिंग है जिस पे लिखा है ये हेडक्वार्टर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो सोचते हैं मतलब ऑफ कोर्स जब वो अपने आप को ट्रेन में पा रहे होते हैं जिस ट्रेन के अंदर वो बॉम्बे जा रहे होते हैं उस ट्रेन में बैठे बैठे ही वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई गंगाधर बहुत शॉक्स मिलने वाले हैं बहुत शॉक्स मिलने वाले हैं और यहाँ से उनके उन शॉक्स की तैयारी शुरू हो जाती है अब जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं वो एकदम से एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इसको सोचते हैं यार ईस्ट इंडिया कंपनी नाइन सॉरी के कुछ टाइम में बंद हो गई थी यही हिस्ट्री बुक्स कहते हैं और पर यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर खड़ा है ना तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर एग्जिस्ट कर रहा है ये फ्लरिश भी कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मेरे सामने मेरे सामने है और ना तो सिर्फ मेरे सामने यहाँ पर ये वो खड़ा है ये यहाँ पे काम चल रहा है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं क्या चल रहा है ये तो बोला कि जरूर हिस्ट्री ने कुछ तो अलग किया है हिस्ट्री में कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूं हाउ एंड टू फाइंड आउट अब क्या हुआ है कैसे हुआ है कब हुआ है ये सब देखना है अभी देखना है कि कैसे हुआ और यही फाइंड आउट करने के लिए तो वो उस बड़ी सी लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं एज यू वॉक ड लॉन्ग दी होन बाई रोड वो चले जा रहे हैं उसी बिल्डिंग के आसपास चले जा रहे हैं उस रोड पर चले जा रहे हैं आपको पता है वो रोड इतनी ज्यादा उसको आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप वहां पर लंडन में आ गए हैं आप इंग्लैंड की किसी तो स्ट्रीट पर चल रहे हैं बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा ये कोई हाई स्ट्रीट ऑफ टाउन इन इंग्लैंड है क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे इस तरीके के बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे जो आपको देश में बाकी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे इस के बाद में फाइनली वो फोर्स की बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं अब वो की बिल्डिंग में जब एंटर होते हैं तो वो वहां पर जाकर रिसेप्शनिस्ट को कहते हैं आई विश टू मीट मिस्टर विनय गाय तो बोला मैं मिस्टर विनय गाय तोंडे से मिलना चाहता हूं तो जो ट्रेन की वो जो जर्नी है उसमें उस उस ट्रेन में अपने आप को पाना एंग्लो इंडियंस ब्रिटिशर्स फारसीज को देखना एक ट्रेन जो बॉम्बे से दिल्ली होते हुए लाहौर से पेशावर जाती है इसी ट्रेन में बैठे रहना खान साहिब के साथ में ट्रैवल करना ये सब कुछ गंगाधर पंत के लिए काफ़ी था ये मानने के लिए कि वो किसी और दुनिया में आ चुके हैं बट अभी भी वो जानना चाहते थे कि दुनिया क्या है क्या मैं पास्ट में आ गया हूँ या फिर मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया हूँ या मैं किसी ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जिसका लेना देना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी चीज से नहीं है हो क्या रहा है ये और इसी वजह से वो एक्चुअली फोर्ब्स में जाते हैं और अपने बेटे के लिए पूछते हैं फोर्ब्स में जाकर वो कहते हैं मुझे मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना है इंग्लिश रिसेप्स रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो सारे के सारे ब्रांचेस सारे के सारे, सारे सब चेक कर लेती है और वो कहती है सर यहाँ पर विनय गायतोंडे नाम का इंसान काम करता ही नहीं है आप किसके किससे मिलने आए हो वो फोब्स में काम करता ही नहीं है अब यहाँ पर जब उन्होंने ये चीज सुनी तो गंगाधर पंत एकदम से शौक नहीं हो गए क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे He was expecting. Like, तो तो स नहीं, नहीं हुआ था मेरा बेटा पैदा भी नहीं हुआ था इस टाइम पे फाइनली वो थैंक यू करते है उस लड़की को और बाहर आ जाते हैं ही वाइक चलो कोई बात नहीं अच्छी बात है मैं ऐसे टाइम पर आ चुका हूँ आई एम गोइंग टू मेक फुल ऑफ इट हिस्टोरियन है भाई हिस्ट्री को देखना चाहते हैं एक अलग नजरिए से पढ़ना चाहते हैं रिसर्च करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है मैं अपना काम करने आया हूँ अपना काम करूंगा मुझे उस लाइब्रेरी में जाना है और लाइब्रेरी में जाकर उस पहेली को सुलझाना है जो पहेली मेरे दिमाग में है ठीक है इसीलिए फटाफट से लंच करके वो टाउन हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं टाउन हॉल की तरफ जाकर वो पहुंच जाते हैं उस लाइब्रेरी के अंदर उस बड़ी सी लाइब्रेरी के अंदर जहां पर अभी उन्हें हिस्ट्री की बुक्स को ब्राउज करना था अब जब वो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनके सामने पांच वॉल्यूम्स आ जाती हैं पांच वॉल्यूम्स उनके टेबल पर पड़ी हैं ये पांच वॉल्यूम्स में एकदम स्टार्टिंग से आपको एकदम स्टार्टिंग से हिस्ट्री यहां पर पता चल जाएगी आपको अशोका से लेकर समुद्र गुप्ता तक मोहम्मद गौरी तक आपको डेथ ऑफ औरंगजेब तक की हिस्ट्री मिल जाएगी यहां तक हिस्ट्री वैसी ही थी जैसे कि गंगाधर पंत अच्छे से जानते थे जो चेंज आया है जो बदलाव आया है वो जरूर आखिरी वॉल्यूम में आया होगा अब ये जो वॉल्यूम फाइव है ये एक्चुअली एक ऐसी वॉल्यूम है ये ये वो हिस्ट्री का टर्न है जिस हिस्ट्री के टर्न को वो रिसर्च करना चाहते थे जो हिस्ट्री का टर्न उनके लिए इम्पोर्टेंट था अब यहां पे वो इस इस वॉल्यूम को जब देख रहे हैं वो इस वो हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो वो रुक गए एक ऐसे इवेंट पे जो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और वो इवेंट है द बैटल ऑफ पानीपत जी हाँ बैटल ऑफ पानीपत थ्री ये उसकी बात हो रही है जो मराठास के बीच में हुई थी मराठास दूसरे तरफ अब्दली था और यहां पर हमें देखना है कि आखिरकार ये यहां पर क्या बदलाव हुआ है ये क्या बदलाव हुआ है यहीं पे कोई ना कोई चीज चेंज हुई है तभी तो मेरे को यहां हिस्ट्री में एक कोई तो पहेली दिख रही है जो मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रही है बार बार गंगाधर पंथ के दिमाग में यही चल रहा था और इसीलिए वो यहां आकर रुके उन्होंने देखा उन्होंने read, kia. it was like abdali was routed and he was chased back to kabul by the triumphant maratha army led by um, you know sadashiv rao bau and his nephew the young vishwas rao the book did not go into a blow by blow account of the battle itself rather it elaborated in detail its consequences of the power struggle in india

मराठास हार गए थे बैटल ऑफ पानीपत में अब दली जीत गया था उसी की वजह से आज आप जैसी हिस्ट्री पढ़ते हैं वैसी हिस्ट्री है ये ये जो जो सामने मेरे किताब पढ़ी थी, ये जो किताब थी थी इस किताब के अंदर सब कुछ बड़ा अलग था इस किताब को मैं जब पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये राइटिंग स्टाइल मेरी है पर फिर भी मैंने इसको पहली बार पढ़ा था ऐसा क्यों था कि ये मैं पहली बार पढ़ रहा था

विक्ट्री इन द बैटल मराठास की विक्ट्री मराठास की विक्ट्री जो हुई थी बैटल में उससे नदन इंडिया में उनकी सुप्रमसी बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी डर जाती है और उनका जो एक्सपेंशन करने का प्लान था उसे रोक देती है यह क्या चल रहा है ये मैम कैसी हिस्ट्री है जो हमारे समझ में नहीं आ रही है कौन सी हिस्ट्री है जो हमने नहीं पढ़ी है एग्जैक्टली exactly, ऐसा ही हो रहा था गंगाधर पंथ के साथ भी He was like, for the Peshwas, the immediate result was an increase in influence of bau Sahib Vishwasrao, who eventually succeeded his father in seventeen eighty AD. The troublemaker Dada Sahib was relegated to the background and he eventually retired from state politics. This was totally different. विश्वास राव एग्जिस्ट कर रहा है वो सक्सीड कर रहा है यहां पर दादा साहिब नीचे आ चुके हैं यहां पर अपनी अलग ही रेंज चल रही है, सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा कि आज आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो नहीं एग्जिस्ट करता है शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा था कि यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ शहरों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाई थी मराठास जीत गए थे और क्योंकि मराठास जीत गए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पाई जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर पाए और देश में डेमोक्रेसी आ गई कैसे हो सकता है ये आपको पता है कि ये ये जो बैटल है ये बैटल एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये जो बैटल है इस बैटल की वजह से इंडिया की हिस्ट्री भारत की हिस्ट्री आप जैसे आज जानते हो वैसी हुई है इन द फर्स्ट प्लेस जबकि यहां पर कुछ और ही कहानी चल रही है यहां पर तो मराठा जीत चुके हैं और जीत कर अपनी इस तरीके से लागू कर चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ एक शहरों को छोड़कर बाकी सारे शहरों में एक्सपेंशन कर ही नहीं पाई है जिसका तो मतलब यह है कि यहां पर तो सारी चीजें पॉलिटिकली डिफरेंट है बहुत ही देखो यहां पर देखो पॉलिटिकल रीजन देशवास दुगल रिजॉय हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भी सारी चीज़ें चेंज हो रही है ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ मिलाकर चलना चाहती है सोच रही है हाथ मिलाकर चलूंगी मैं हम चलेंगे आ, इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में यू नो हेल्प मांगेगा हम इंडिया के साथ हाथ मिलाकर चलेंगे यू नो एक पूरी तरीके से कॉलोनाइज करेंगे ये सारे उनके दिमाग में चल रहे हैं बट ऐसा हुआ नहीं है इंडिया इस बात पे एग्री नहीं कर रहा है एग्री नहीं कर रहा है हम देख रहे हैं ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर और बदलाव आए और बदलाव यह आए कि इंडिया डेमोक्रेसी की ओर जा चुका है इंडिया डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है इलेक्टेड बॉडीज़ क्रिएट होने लग गई है और अब जो है सारी चीज़ें बदल गई है इलेक्शन के तौर पे इलेक्शंस की मदद से आ, डिसाइड होता है कि कौन आ, लीड करेगा कौन लीडर रहेगा किस स्टेट का लीडर रहेगा और क्या डिसीजनस लिए जाएंगे अब ये यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जब वो रीड कर रहे थे वो अप्रिशिएट कर रहे थे उस इंडिया को जो उन्होंने देखा था ठीक है अभी उन्होंने देखा इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बिन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड न्यू वट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज हमारा भारत अपने दो पैरों पर खड़ा है आज भी और वो अब स्लेवरी को नहीं जानता है उसने अपने हिस्ट्री में जो सारी चीजें देखी है उन सारी चीजों को अब मिटा दिया है अब हम रूल कर रहे हैं और हम रूल करेंगे इस इस भारत को वो जानते हैं इस भारत को वो जानते हैं अच्छे से पहचानते हैं तो उन्होंने बोला बोला यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिस देश को जानता हूं और जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं अपने अराउंड इसमें बहुत डिफरेंस है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी वो अभी तक नहीं समझ पाए थे हाउ डिड मराठास विन द बैटल उन्हें लग रहा था कि अब तो मुझे बैटल को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अगर मराठास बैटल जीत जाते हैं तो भारत अलग होगा अगर मराठास वॉर को जीत जाते हैं तो भारत अलग होगा और अगर वो हार जाते हैं तो भारत की किस्मत अलग होगी और इसी वजह से वो वो सामने रखी हुई किताबें जर्नल ये सब रीड करने लगते हैं एंड फाइनली उन्हें क्लू मिलता है एक बहुत ही कमाल का क्लू मिलता है बाखर में ऑल though he seldom relied on bakhrs for historical evidence he found them entertaining to read वैसे वो बाकर्स पे इतना भरोसा नहीं करते हैं, बट उन्हें फिर भी बहुत अच्छा लगता है उनको रीड करना कोई ना कोई यू uh, नो you know, और अलग पार्ट ऑफ हिस्ट्री सामने आ जाता है एक नजरिया अलग सा सामने आ जाता है ठीक है तो इसीलिए उन्होंने बोला बोला यार यहाँ पर एक बहुत ही अलग सा तीन लाइन का काउंट लिखा हुआ था ठीक है और वो विश्वास राव के रिलेशन में था और विश्वास राव इस पूरे बैटल में द बैटल ऑफ पानीपत थ्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स अब यहाँ से ये पूरा का पूरा काउंट शुरू होता है और बताता है कि कैसे विश्वास राव भीड़ के अंदर घोड़े को लेकर गए जहां पर बाकी सारे लोग फाइट कर रहे थे और उन्होंने उन्हें अटैक किया भगवान की दया रही कि उन पर जब गोली चलाई गई तो वो गोली उन्हें लगने की बजाय उनके कान के पास में से गुजर गई तो गोली लगी नहीं उनके पास से कान के पास से गुजर गई तिल जितना तिल जितना डिफरेंस रह गया होगा उन्हें गोली लगने से वो बच गए और वो पास में से ही गुजर गई बट रियालिटी में विश्वास राव मर गए थे ये क्या चल रहा है जहां पर ये कहा जा रहा है कि विश्वास राव को गोली लगी ही नहीं इनफैक्ट उनके कान के पास से होकर गुजर गई अभी समझ नहीं आ रहा है पर आठ बज चुके हैं आठ बज चुके हैं और लाइब्रेरियन बड़े ही पोलाइटली प्रोफेसर को कहते हैं भाई देखो कहती है कि यार अब तो हो गया आज के लिए लाइब्रेरी जो है वो बंद हो चुकी है अब आप कल आना अब वो एकदम से समझ नहीं पा रहे एकदम से इससे बाहर निकले हैं और उनको भी यहाँ से जाना है एक ये कब खुलता है वापस से लाइब्रेरी कब खुलती है बोला कि एट ओ क्लाक सुबह आठ बजे खुलती है आठ बजे से लेके आठ बजे तक आप लाइब्रेरी में रह सकते हो बोला चलो ठीक है अब उन्होंने क्या किया उन्होंने अपने बुक्स को साइड में रख कर गलती से गलती से ये जो पेपर है ये जो पेपर है जिसपे ये वो पूरा अकाउंट पढ़ रहे थे वो अपने पॉकेट में रख लिया चाहते नहीं थे जानबूझ के करना पर उनके पॉकेट के अंदर वो रह गया था ठीक है माइंडेडली उनके लेफ्ट पॉकेट के अंदर वो रह गया था और वो वहां से चले गए एक धर्मशाला गेस्ट हाउस उन्हें मिल गया रहने के लिए एंड फाइनली उन्होंने कैसे जैसे कुछ कुछ खा भी लिया अब फाइनली वो जाते हैं आजाद मैदान की तरफ अब आजाद मैदान की तरफ जाकर वो अपने आप को एक पंडाल में पाते हैं यहाँ ये जो पंडाल है इस पंडाल में एक लेक्चर होना है इस पंडाल में एक लेक्चर होना है लोग वहां पर बैठे हुए हैं और प्रोफेसर गायतोंडे भी वहाँ पर ऑडियंस को ना देखते हुए ऑडियंस को ना देखते हुए देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल चेयर जो है वो अनऑक्यूपाइड है और फिर इधर उधर देखे बिना सीधे साधे वहां पर चले जाते हैं सीधे सीधे वहां चले जाते हैं और जब वो वहां चले जाते हैं तो एकदम से पूरा का पूरा ऑडियंस चिल्लाने लगता है विकेट चेयर विकेट द चेयर खाली करो उस चेयर को खाली करो तुम मत बैठो वहां पे इस लेक्चर में कोई चेयर पर्सन नहीं है प्लेटफॉर्म से उतर जाओ ये चेयर सिंबॉलिक है तुम्हें पता नहीं है अब इतने में प्रोफेसर इन सारी चीजों को इग्नोर करके माइक पकड़ते हैं और अपने व्यू सामने रखने लग जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन लेक्चर इज लाइक शेक्सपियम विदाउट प्रिंस ऑफ डेनमार्क लेट मी टेल यू वो बस माइक पकड़ते हैं और बोलने लग जाते हैं कोर्स लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती वो है। तो कहते हैं मेरे को हमको ये सारी की सारी चीजें बड़े बड़े इंट्रोडक्शन ये 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 वोट ऑफ थैंक्स और इन सब में कोई कोई मतलब नहीं हमें ये सब सुनना हमें हम दिलचस्पी नहीं रखते हैं हम इन सब में तुम जल्दी से प्लेटफॉर्म से उतरो उतरो यहाँ से चेयर से हटो गंगाधर पंत यहाँ पर एकदम से वहां से निकल नहीं पा रहे होते हैं बिकॉज गंगाधर पंत पंथ द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन मीटिंग्स एंड एट फेस द पूरी ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल ही केप्ट ऑन टॉकिंग गंगाधर पंत को ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है क्योंकि वो नौ सौ निन्यानवे मीटिंग्स के अंदर इसी तरीके से बोल चुके हैं और पुणे के अंदर तो उसे उन्हें इससे भी बदतर ऑडियंस मिली थी उसके बावजूद वो बोलते रहे इसीलिए वो बोलना कंटिन्यू करते हैं अब जैसे ही वो बोलना कंटिन्यू करते हैं तो इतने में लोगों को इतना गुस्सा आता है कि लोग टमाटर अंडे फेंकते हैं उनके ऊपर एकदम टमाटर अंडे जो हाथ में ऑब्जेक्ट आता है वो दे धड़ाधड़ फेंकते हैं जब उसके बावजूद वो नहीं रुकते हैं तो लोग ऊपर चढ़ जाते हैं और ऊपर चढ़कर और उन्हें पीटना शुरू करते हैं और उसी वक्त उसी वक्त गंगाधर पंत वहां से गायब हो जाते हैं आ? चल रहा है गंगाधर पंत कहा गए वो गायब कैसे हो गए? ओके, okay. अब हम आ जाते हैं इसके मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे। नो इज दैट आई वॉज फाउंड आजाद मैदान इन द मॉर्निंग बट आई वॉज बैक इन दर्ल्ड आई एम फमिलियर विद नाउ वेर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोस टू डेज वेन आई वॉज एबसेंट फ्रॉम ओके यहाँ पे आपके मैम की एंट्री हो रही है और अब आपको मैम थोड़ा और अच्छी क्लैरिटी देने वाली है ताकि आपको आगे से ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए ओके okay. सो so, गंगाधर पंत एक हिस्टोरियन है और वो अभी 999 मीटिंग में अपना लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं और हजारवी था मीटिंग जो है उसमें उन्हें लेक्चर डेवलप डिलीवर करना है जिस लेक्चर को वो अभी डिलीवर करने वाले हैं इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू battle बैटल ऑफ पानीपथ्री अब क्या होता है जब उनके दिमाग में उस लेक्चर को लेकर उनकी थ्योरीज को लेकर उनके रिसर्च को लेकर काफ़ी बातें चल रही होती और जब वो घर से निकलते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यू नो अपनी मीटिंग की तरफ जा रहे होते हैं वो इसी के बारे में सोच रहे होते हैं और उनके दिमाग में एक थॉट आता है थॉट बस यही कि अगर हिस्ट्री में कुछ और हुआ होता और जैसे हम हिस्ट्री को अभी जानते हैं वैसे नहीं हुआ होता तो क्या भारत अलग होता अगर एक तरफ मराठास जीत गए होते तो क्या हम एक अलग भारत को देखते इन कंपेरिजन टू रियालिटी जहां मराठास नहीं जीते और हमने स्लेवरी देखी हमने देखा कि हम कैसे कॉलोनी में कन्वर्ट हो गए और कैसे हम लोगों को फाइट करना पड़ा है नाउ वी आर अ डेमोक्रेसी और जब वो ये सोच रहे होते हैं उनकी गाड़ी टकरा जाती उनकी गाड़ी टकरा जाती है और उन्हें बहुत गहरी चोट लगती है वो दो दिन के लिए इस वर्ल्ड में कोमा में चले जाते हैं वो कोमा में चले जाते हैं और जब वो कोमा में होते हैं यहाँ पर उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है उनके फ्रेंड्स उनके फैमिली उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं कोमा से लौटने का इंतजार कर रहे हैं पर दिमाग जो है गंगाधर पंत का उनको नहीं पता है कि वो कोमा में है उनके दिमाग में अभी भी वही चल रहा है एंड ही गोज ऑन टू थिंक जो अभी तक हमने पढ़ा वो सब वो so, कोमा में है और कोवा में वो पूरी चीज जो हमने देखा फ्रॉम जीजा माता एक्सप्रेस हमने जीजा माता एक्सप्रेस से लेकर जो लास्ट में आजाद मैदान में लोगों ने उनके ऊपर अंडे फेंके हैं स्टेज पर चढ़ के उनको मारने लग गए हैं वहां तक हमने जो भी रीड किया वो सब गंगाधर पंत के दिमाग में स्टोर्ड होता है और गंगाधर पंत ये सारी की सारी बातें दो दिन बाद आंख खोलते हैं उन्हें होश आता है और अपने दोस्त राजेंद्र देश को बताते और वो कहते हैं यही पता है मुझे अब तुम मुझे बताओ कि वो दो दिन जब मैं यहां नहीं था जब मैं यहां कोमा में था तो मैं एक्चुअली कहा गया मैं कहा था अब एकदम से राजेंद्र को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है मेरे दोस्त को ये क्या कह रहा है राजेंद्र को थोड़ा समय लगा इस पूरी की पूरी थ्योरी को इस पूरी की पूरे स्टोरी को इस पूरे नेरेटिव को जस्टिफाई करने के लिए या इसका रिप्लाई देने के लिए राजेंद्र देश पांडे कहते हैं बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कॉलेज विद द ट्रक व्हाट यू डूइंग उन्होंने बोला एक बात बताओ आप आ, का एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से ठीक है उस एक्सीडेंट से पहले आप क्या कर रहे थे प्रोफेसर ने रिप्लाई किया गाय तोड़ने जी ने बोला आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रोफे थियोरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री बोला मैं कैटास्ट्रोफी थियोरी के बारे में सोच रहा था और उसकी इम्प्लीकेशन के बारे में सोच रहा था आई नो आई नो इसीलिए ये थियोरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ और अब फिर बता देती हूँ कैटास्ट्रोफी थ्योरी ये कहता है कि कोई एक इवेंट जो है उसका एक जो भी अभी यहाँ पर आ, इवेंट है उसका एक इम्प्लीकेशन होगा उसका एक नतीजा होगा तो अगर पास्ट में कोई इवेंट को बदल दिया जाए कोई इवेंट को बदल दिया जाए तो उसका इम्प्लीकेशन भी जो है वो बदल जाता है मतलब अगर आप यहां पर कोई छेड़छाड़ कर देते हो तो यहां पर भी उसका बदलाव देखने को मिलता है अब ये कैटास्ट्रोफी थ्योरी वो बैटल ऑफ पानीपत में लगा रहे थे वो देख रहे थे मराठास हार गए तो भारत वैसा बना जैसा हम आज जानते अगर मराठास जीत जाते तो भारत कैसा होता समझे इसको कहते हैं थ्योरी कि आप जो कर रहे हो अभी उसका क्या इंप्लीकेशन आएगा जब गंगाधर पंत का एक्सीडेंट हुआ तो वो यही कर रहे थे उस टाइम वो यही सोच रहे थे कि अगर मराठास हारने की बजाय जीत जाते तो क्या होता हिस्ट्री चेंज हो जाती प्रेजेंट बदल जाता है ना हम कुछ और होते कहीं और होते कुछ और कर रहे होते राइट right, आई थॉट सो so. राजेंद्र स्माइल राजेंद्र ने मुस्कुरा मुस्कुराया और कहा समझ गया आ गई समझ में, में मेरे कि क्या हो रहा है यहाँ पे हो हो प्रोफेसर गाय ने बोला चुपचाप ऐसे हंसो मत मुझे बताओ एग्जैक्टली exactly तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है क्या हो क्या रहा है ये उन्होंने बोला और मैं 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 जो भी बोल रहा हूँ मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं गलत नहीं बोल देखो देखो ये देखो ये मेरी जेब से देखो ये देखो ये 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 ये, ये कहाँ से आया ये पेज कहाँ से आया जो उस किताब का वहां पर रह गया था जो मेरी जेब में है ये कहाँ से आया हाँ हम्म राजेंद्र ने उस टेक्स्ट को पढ़ा और उनके चेहरे से वो स्माइल चली गई और बड़ा ही सीरियस एक्सप्रेशन आ गया लग रहा था कि राजेंद्र प्रोफेसर गायतोंडे से थोड़ा-थोड़ा कन्विंस होने लग गए थे अब इतने में गंगाधर पंत ने बोला बोला देखो मैंने गलती से ये जो यू नो ये जो पेज है बकार का अपने जेब में रख लिया था जब मैं वहां पर पेमेंट कर रहा था अपने खाने का तब तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मेरे जेब के अंदर है पर ये देखो ये प्रूफ करता है कि मैं वहां पर जाकर आया हूं अब यहां पर राजेंद्र ने फिर से उस पेज को पढ़ा और उस पेज पे लिखा हुआ था विश्वास राव बुलेट एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन ओमेन ओमेन बाय दी मराठा आर्मी टर्न द टाइड इन देयर फेवर। नाउ लुक एट दिस गंगाधर पंत गंगाधर पंत प्रोड्यूस ओन कॉपी ऑफ बाऊ साहेब बांची बखार ओपन एट द रेलिवेंट पेज द अकाउंट रैन दास एंड देन विश्वास राव गाइडेड अच्छा अब ये वही हम जो पढ़ के आ रहे हैं एग्जैक्टली exactly वही है ठीक है अभी ये वही चल रहा है उन्होंने उस पेज को दिखाया उस पेज पे ये लिखा हुआ था ठीक है और वहां पर भी यही लिखा हुआ है कि ठीक है विश्वास राव जो है वो जाते हैं अपने घोड़े को लेकर क्राउड में और वहां पर जाकर लोग उन हमला करते हैं जो गोली है वो उन्हें लगने की बजाय उनके कान से होकर गुजर जाती है

राजेंद्र ने सारी चीजों को देखा और देखकर उन्होंने कहा कि यार ये जो पेज आपने मेरे सामने प्रोड्यूस किया है और अब ये जो स्टोरी ये जो नैरेटिव मुझे बता रहे हो ये सब सोच के मुझे लग रहा है कि कुछ तो है कुछ फैक्ट्स तो इस पूरे नरेशन के अंदर प्रेजेंट है अभी तक मैं सोच रहा था कि सब आपकी फैंटेसी है ये सिर्फ और सिर्फ आपके कल्पना है और कुछ नहीं बट मुझे लगता है कि इनके अंदर कुछ फैक्ट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं तो गंगाधर पंत ने कहा बताओ यार कौन से फैक्ट्स की बात कर रही हो कौन से फैक्ट्स हो गए यहाँ पर प्रेजेंट हाँ राजेंद्र स्माइल करते करते बोलते हैं बोलते हैं प्रोफेसर गायतोंडे तोंडे आई ट्राई टू रैशनलाइज योर एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ टू साइंटिफिक थियोरीज एज नोन टुडे अब मैं आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसे दो साइंटिफिक थियोरीज से रैशनलाइज करने की कोशिश करूंगा अच्छा अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपके लिए एक कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस जो कि आपने किया है उससे उससे रिलेटेड हम डिस्कशंस करते हैं बोला हाँ मुझे इस बताओ प्रोफेसर गायतुंडे कहते बताओ बताओ मैं अच्छे से सुन रहा हूँ बताओ बोला देखो यूड लॉर्ड कैटास्ट्रोफी थ्योरी एट दिस सेमिनार आप सेमिनार गए आपने वहां पर बहुत बार इस कैटास्ट्रोफी थ्योरी के बारे में पढ़ा और ठीक है आपने इसको अप्लाई कर दिया बैटल ऑफ पानीपत पे ठीक है तो आपने बैटल ऑफ पानीपत पे इसको अप्लाई किया कैसे अप्लाई किया मैं बताता हूँ भाई मराठा आर्मी वॉज फेसिंग ट्रूप्स ठीक है एक तरफ मराठा आर्मी थी दूसरी तरफ अब्दली की आर्मी थी ठीक है सही है एकदम अब इन दोनों के बीच में अगर हम आर्मीज को कंपेयर करें उनकी कैपेसिटी को कंपेयर करें या उनके उनकी उनके सारी चीजों को कंपेयर करें तो कोई खास डिफरेंस नहीं था, था कि नहीं था नहीं था ना नहीं था तो फिर कोई किसी का जीतना हारना कैसे निर्धारित हो सकता था कैसे हो सकता था लीडरशिप और मोरल ऑफ द ट्रूप्स पे आर्मी इक्वल है बस उन लोगों ने बस ये है कि ठीक है अब एक तरफ से लड़ रहे हैं तो किसी ने मराठा की तरफ से कपड़े पहने हुए हैं किसी ने अब्दली की तरफ से कपड़े पहने हुए हैं तो उनके ऊपर वो आर्मी का अलग का ठप्पा लगा हुआ है और कुछ नहीं बाकी उन दोनों के अंदर काफी ताकत है और दोनों सिमिलर है फर्क था तो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का और वो लीडरशिप जो मोराल देती है जो मोटिवेशन देती है अपनी आर्मी को उसका अब ऐसे फर्क में अगर हम देखें ऐसे फर्क में जीतना जो है सिर्फ यही डिसाइड कर सकता है और कुछ नहीं दोनों बहुत केपेबल थे ठीक है क्लियर है ओके अब इसके बाद में उन्होंने बोला बोला देखो जैसे कि हिस्ट्री है एज हिस्ट्री हैज इट इज अंकल बाउ साहेब ब्रश्ड इनटू द मील एंड वाज नेवर सीन अगेन whether he was killed in the battle or survived, it's not known. but for the troops at that particular moment, that blow of losing their leader was crucial. they lost their morale and fighting spirit. there followed an utter rout. so abiyunayaparbatava was in history mein hua tha. Us crowd crowd, मराठास के लीडर जो है, जी जो है वो रश करते हैं और जैसे वो वहाँ रश करते हैं वो गायब हो जाते मारे गए जिंदा है क्या हुआ क्या नहीं किसी को कुछ नहीं पता किसी को कोई क्लू नहीं है कि वो कहाँ गए बट वो जो लोग हैं जो अपने लीडर के लिए लड़ रहे थे वो जो लोग हैं जिनके अंदर हिम्मत अपने लीडर की वजह से आ रही थी वो लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं क्योंकि जब लीडर को कुछ हो जाता है तो आर्मी मोटिवेशन लूज कर देती है और वही हुआ मराठा आर्मी ने अपने दोनों लीडर्स को लूज करने के बाद अपना मोटिवेशन खो दिया और वो हार गए ऐसा ही हुआ एग्जैक्टली exactly, प्रोफेसर ऐसा ही हुआ था ना यही हुआ था दोनों के बीच में डिस्कशन हो गया था तो क्रूशल इवेंट क्या था क्रूशल इवेंट था विश्वास राव और बाऊ साहिब का उस वक्त गायब हो जाना मर जाना जिसकी वजह से आर्मी ने मोरल लूज किया और मराठास हार गए अगर ये क्रूशल इवेंट चेंज हो जाए तो अगर ये क्रूशल इवेंट जो है वो चेंज हो जाता है अगर यहां पर विश्वास राव नहीं मरते हैं तो मोरल लूज नहीं होता है मराठास का रिजल्ट क्या निकल कर आता है वो जीत जाते हैं क्योंकि ये ये पूरी लड़ाई जो है वो खाली मोरल की थी ऐसा ही था है ना? ये कैटास्ट्रिफिक थ्योरी है तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा होता है अगर ऐसा नहीं होता है तो ये थ्योरी है तुम्हारे दिमाग में ऐसे तो हम कहीं पे भी डाल सकते हैं बोल सकते हैं कि बैटल ऑफ वॉटरलू में भी नेपोलियन जीत सकता था कह सकते हैं ना हम बट वो सब कुछ जीत सकता था ऐसा होता तो उसी में है और कहीं नहीं है दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेक्यूलेशन बट नॉट फॉर रियालिटी ये जो ये जो आइडिया है कि आ, ये हो सकता था वो हो सकता था ये सब कुछ स्पेकुलेशन के लिए सही है रियलिटी के लिए नहीं अच्छा अभी यहाँ पर राजेंद्र ने कहा आई टेक इश्यू विथ यू देर इन फैक्ट देट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट विच यू मे फाइन स्ट्रेंज बट प्लीज यी आउट राजेंद्र सेट बोला हाँ अब मैं तेरे को एक मेरा इसी से रिलेटेड सेकंड पॉइंट समझाता हूँ प्लीज मेरे को अच्छे से सुनना है ना प्लीज अच्छे से सुनना राजेन्द्र गा, गंगाधर गा, पं, पंत ने बोला कि ठीक है करो मेरे को सुनाओ बताओ क्या है तुम्हारे दिमाग में राजेंद्र ने कंटिन्यू किया व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी जब तुमने यहाँ रियलिटी मेंशन किया तो ये रियलिटी का मतलब क्या है हाँ वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट्स बट इट इज लिमिटेड टू व्हाट वी सी डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस रियलिटी वही है जो हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं या वेरियस इंस्ट्रूमेंट से एक्सपीरियंस करते हैं बट ये लार्जली वो है जो हम देख रहे हैं आज मैं इस चीज को देख पा रही हूं ये मेरी रियालिटी है आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं ये आपकी रियालिटी है पर क्या इसकी इसके अलावा कोई भी मैनिफेस्टेशन है दैट रियालिटी में नॉट बी यूनिकीन फाउंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम ऑफ एटम्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंस पार्टिकल्स When dealing with such systems, the physicists discover something startling. The behavior of these systems cannot be predicted definitively, even if all the physical laws governing those systems are known. बोला यहाँ पर एक रियलिटी वो है जो आप अपने आंखों से देखते हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी रियलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं कहाँ एग्जिस्ट करती है उनमें क्या एग्जिस्ट करता है ये नहीं पता बट ऐसा नहीं है कि जो रियालिटी आपको दिख रही है दैट्स द ओनली रियालिटी एग्जिस्टिंग हो सकती है हो सकती है और भी रियालिटी एग्जाम्पल लेते हैं टेक एन एग्जाम्पल आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सोर्स मैं इलेक्ट्रॉन को एक सोर्स से फायर करता हूं वेयर विल इट गो कहा जाएगा वो इफ आई फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड आई नो वेयर इट विल बी एट अ लेटर टाइम और यहीं पर अगर एक बुलेट फायर करता हूँ एक गिवन स्पीड में गिवन टाइम पे मेरे को पता होगा कि वो कहाँ होगी बट आई कैन नॉट मेक सच एन अजर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन पर क्या मैं इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा बना सकता हूं नहीं यहाँ हो सकता है वहां हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है आई कैन odds बेस्ट कोट being फॉर इट a फाउंड location लोकेशन एट specified टाइम इस थ्योरी को हम कहते हैं द lack ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी बोला कि ये इसी को हम कहते हैं लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इलेक्ट्रॉन्स कभी भी कहीं पर भी यू नो you know, कर सकते हैं आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ये अभी यहां होगा वहां होगा या वहां होगा आप बुलेट को प्रिडिक्ट कर सकते हो एक बार को पर इलेक्ट्रॉन को नहीं ये जो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म है इसी की वजह से बहुत वर्ल्ड के पिक्चर्स इमेजिन करो

मिलता है जिस भी वर्ल्ड में वो आपकी रियलिटी बन जाता है हमें पता चल जाता है कि कौन से वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं बेसिकली बट ऑल अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम राजेंद्र पॉज द मार्शल थॉट टू मार्शल थॉट्स तो बेसिकली उन्होंने बोला कि जहां पर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं वही हमारी दुनिया बन जाती है जहां हम उस इलेक्ट्रॉन को देख पा रहे हैं जहां हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो हमारी दुनिया बन जाती है बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है ने बोला तो ये सारी की सारी दुनियाओं में कोई कोई लिंक विंक है क्या कोई कॉन्टैक्ट है क्या उन्होंने बोला यस और नो अब यहां पर यस भी है और नो भी है हो सकता है कोई कांटेक्ट कॉन्टैक्ट हो, हो सकता है नहीं हो ठीक है इसको एकदम वैसे देखो जैसे कि तुम प्लैनेट्स को देखते हो अराउंड द सन हाँ यहाँ पर तुम देखते हो दी स्टेट्स में भी यूज टू आइडेंटिफाई वर्ल्ड इन स्टेट नंबर वन वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन स्टेट ऑफ हायर एनर्जी इन स्टेट नंबर टू इट इज इन द स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी अब ये पूरा का पूरा एनर्जी का खेल है जहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी में वो होगा वही उसका वर्ल्ड है वही वर्ल्ड को वो एक्सपीरियंस कर रहा है वही उसकी रियालिटी है जहां पर वो लो एनर्जी के अंदर होगा वो ऑफकोर्स उस आ, आ, मास के अंदर नहीं होगा उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा वो उसकी रियलिटी नहीं होगी तो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं और एग्जिस्ट कर सकता है अगर ये एनर्जी शिफ्ट होती है तो हम लोग भी शिफ्ट हो सकते हैं उन्होंने ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की और राइट सच ट्रांजिशन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर ऐसे ट्रांजिशन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में कॉमन होते हैं वॉट इफ इट मैक्रोस्कोपिक लेवल राजेंद्र से बट ये कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि क्या ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी हो सकता है क्या इतनी एनर्जी के अंदर आप एग्जिस्ट कर सकते हो कहीं पर किसी और दुनिया के अंदर आई गेट यू यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन गंगाधर पंत ने कहा कि अच्छा मैं समझ गया हूँ आप मुझे ये कहना चाहते हो कि मैं इस दुनिया से किसी और दुनिया के अंदर चला गया था और फिर उस दुनिया से वापस इस दुनिया में आ गया Ah, fantastic though it seems, uh, this is the only explanation I can offer, Fantasy se se hua explanation theory My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable. But the observer can experience only one of them at a time. Reality is very और ये सारी की सारी रियलिटीज आप एक साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ओनली वन एट अ टाइम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो तो आपका एक्सीडेंट हुआ आपने वहां से आप एकदम से चले गए आप पैरेलल वर्ल्ड में चले गए हो वहां आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है आप अब वहां पे कंटिन्यू से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते आप वापस इस वर्ल्ड में आ गए हो और अब आप, आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो बाय मेकिंग अ ट्रांजिशन यू वर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड ऑल दो वन एट अ टाइम तो तुमने दो दुनिया देखी पर एक एक करके The one वन यू लिव इन नाउ एन दन वे यू स्पेंड टू डेज वो दुनिया जिसमें तुम आज रहते हो और वो दुनिया जहां तुम दो दिन गुजार के आए हो one the history we know, the other a different history. इस दुनिया में वो हिस्ट्री है जहां मराठा हार गए हैं और उस दुनिया में तुमने वो हिस्ट्री क्रिएट की है जो कि course तुम मुझे बता रहे हो द सेपरेशन और bifurcation took प्लेस इन द बैटल ऑफ Panipat. और इसके लिए जो सेपरेशन था कि कौन से मोमेंट से तुम जाओगे और क्या एक्सपीरियंस करोगे वो सब कुछ बैटल ऑफ पानीपत पे था तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या हुआ है? मैं तो ये कह रहा हूं पास्ट में भी तुम नहीं गए हो तुम फ्यूचर में भी नहीं गए हो तुम बस एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले गए हो डिफरेंट वर्ल्ड में एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम राजेंद्र ने कॉन्क्लूड किया और गंगाधर पंथ ने एक क्वेश्चन पूछा बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन मैंने क्यों मेरे साथ ही क्यों ये ट्रांजेक्शन इफ आई न्यू दी आंसर आई वुड सॉल्व अ ग्रेट प्रॉब्लम राजेंद्र ने कहा काश मेरे को इसका आंसर पता होता मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर लेता बट uh, मैं गैस जरूर कर सकता हूँ गैस uh, इसके लिए कर सकता हूँ क्योंकि Uh, मतलब थोड़ा मेरे को आइडिया है कि तुम क्या सोच रहे थे जैसे कि तुमने मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि तुम कैटास्ट्रफे थ्योरी के बारे में सोच रहे थे और तुम सोच रहे थे कि कैटास्ट्रफे थ्योरी अगर वॉर्स में अप्लाई कर दी जाए तो क्या हो तो जब ऐसा हुआ और तुम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे बिकॉज तुम्हें जाकर वो लेक्चर डिलीवर करना था तो तुम उसी पॉइंट पे वो ट्रिगर की तरह काम किया और तुम उसी पॉइंट पे इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड के अंदर चले गए अगर गैस I was indeed wondering what course history would have taken if the result of the battle had gone the other way, Professor Gaitonde said, and that was going to be the topic of my thousand presidential address. Uh, reveal कर दिया Professor Gaitonde ने इस चीज को बोला राजेंद्र तुम सही कह रहे हो मैं इनफैक्ट यही सोच रहा था मेरी thousand जो प्रेस था जो मेरा लेक्चर था उसका टॉपिक ये होने वाला था कि अगर हिस्ट्री जैसे हम जानते हैं वैसी नहीं होती और इसका कोई और यू नो नेट होता है या कुछ और चेंजेस आ जाते तो आज हम कैसा करते तो मैं इसी बारे में सोच रहा था बोला वही वही है जो ट्रिगर की तरह काम किया एंड दिस हैपेंड है चलो अच्छी बात है अब तुम्हें स्पेक्यूलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी राजेंद्र प्रसाद ने कहा तुम तो देख कर आ गए हो हिस्ट्री तो अब आराम से बताना नहीं राजेंद्र माय थाउजेंड एड्रेस वाज मेड ऑन आजाद मैदान व्हेन आई वाज सो रूडली इंटरप्टेड ना 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 अब मैं हजारवा एड्रेस नहीं दूंगा इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं आजाद मैदान में देकर आ चुका वो आजाद मैदान के अंदर में वहां पर था और वहां पर लोगों ने मेरे ऊपर अंडे फेंके टमाटर फेंके जूते फेंके अब मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा मुझे ऐसा लगता है कि आई आई थिंक मैं पानीपत की सेमिनार में नहीं जाऊंगा मेरी हजारवी सेमिनार जो है वो हो चुकी है इसके साथ कंप्लीट हो गया है द एडवेंचर बहुत ही इंटरेस्टिंग एडवेंचर पे हमें लेकर गए हैं राजेंद्र गंगाधर पंत देश गायतोंडे <laughs> सॉरी सो so, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा अब मैं थोड़ा सा इसे समअप कर देती हूँ आपके लिए ताकि आपको ये सारा सब कुछ जो है वो एक प्लेस पे दिखे बिकॉज लिखने का तरीका अलग होता है एंड स्टोरी की क्रोनोलॉजी अलग होती तो बच्चों आ, जो गंगाधर पंत है वो अपना हजारवा सेमिनार कंडक्ट करवाने करने जा रहे थे जिसका टॉपिक उन्होंने ये रखा था कि अगर हिस्ट्री जैसी हम आज जानते हैं वैसी ना होती तो हिस्ट्री प्रेजेंट कैसा होता इस बारे में वो सोच रहे होते हैं जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद में वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पर हिस्ट्री बहुत ही अलग उन्हें देखने को मिलती है उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है कि बैटल ऑफ पानीपत थ्री के अंदर मराठा जीत गए हैं और ब्रिटिशर्स को बाय बाय कह दिया है और इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया है ठीक है वो वहाँ पर अपना एक आ, स्पीच डिलीवर करने ही वाले होते हैं कि लोग उन्हें मारने लग जाते हैं और उन्हें वहाँ से हटाने लग जाते हैं कि फिर से उनको वो ट्रिगर महसूस होता है और वो अपने एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो दो दिन से कोमा में थे और वो एकदम से होश में आकर इस पूरी बात को यू नो राजेंद्र देश पांडे के साथ में आ, बताते हैं डिस्कस करते हैं राजेंद्र देश पांडे इसे दो साइंटिफिक थियोरीज़ के ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एक कैटास्ट्रोफी थ्योरी और एक लैक ऑफ डिटर्मनिज्म इन दोनों के थ्रू वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि गंगाधर पंथ जो है वो अपने थॉट्स के अंदर बिकॉज uh, उनका वो जो ब्रेन था वो ब्रेन वहां पर ट्रैवल कर रहा था वो एक डिफरेंट दुनिया में चले गए थे जहाँ पर उन्होंने अपनी कैटास्ट्रोफी थ्योरी को एक्चुअली अप्लाई किया और एक डिफरेंट हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और उस डिफरेंट हिस्ट्री को वो जी कर आए हैं ठीक है तो उन्होंने इन दो साइंटिफिक प्रिंसिपल से इसे एक्सप्लेन किया और अभी गंगाधर पंथ होश में आ चुके हैं और वो इस एक्सप्लेनेशन के साथ में काफ़ी हैप्पी हैं बट वो कह रहे हैं वो हज़ारवा यू नो सेमिनार नहीं ज्वाइन करने वाले हैं बिकॉज़ वो आज़ाद मैदान में ऑलरेडी कर चुके हैं और अंडे टमाटर खा चुके हैं तो हो चुका है उनका काम एंड देट सेट सो ये जो है ये एक्चुअली आपको थोड़ा इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीपली साइंस में जाओगे और आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो लिटरेचर का पार्ट है तो इसे वैसे ही बताया जैसे कि इसको आपको जानना चाहिए ठीक है तो आई होप कि वो बहुत सारा चीज़ें काफ़ी क्लियर है बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी पॉइंट है क्योंकि मुझे पता है साइंस वाले बच्चे तुरंत समझ जाते हैं uh, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने ये पढ़ा हुआ है अगर आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहा है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना और मैं आपको और अच्छे से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी हाउ आपको उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस पार्ट ऑफ़ योर लिटरेचर तो आपको इसमें साइंस का एग्जाम नहीं लिखना है है ना तो आपको बस दो थियोरीज याद रखनी है और इस पूरी जो मैंने शॉर्ट समरी दी है बस इसको याद रखना है इससे इवेंट्स आपको याद रह जाएंगे एंड ये चैप्टर स्मूद हो जाएगा तो आई होप यू लाइक दिस चैप्टर आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया अगर हाँ तो प्लीज लाइक करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर